हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 17, टेजल इन अहमदाबाद फ्रॉम क्लास 4th ईवीएस सेमेस्टर 2। आई केम टू अहमदाबाद अ मंथ अगो फॉर माय मदर्स ट्रीटमेंट। माय मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो हम एक महीने पहले ही अहमदाबाद आए हैं ताकि मैं मेरी मम्मी की जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकूँ और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है इस ट्रीटमेंट के लिए। द बिग सिटी अहमदाबाद, तो यहाँ पे जो बड़ी सिटी है अहमदाबाद उसके बारे में बात हो रही है। आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी, तो मैं इस धीरे धीरे इस सिटी से जो यूज़ हो रही हूँ, यूज़ का मतलब कि इसको एक्सेप्ट कर पा रही हूँ क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे नहीं रहे इसीलिए। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन माय मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द अहमदाबाद स्टेशन। इट वॉज सो क्राउडेड, आई क्विकली गॉट होल्ड ऑफ माय मदर्स हैंड। तो आज भी मुझे वो दिन याद है जब हम लोग अहमदाबाद के स्टेशन पे उतरे थे। वो इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया था कि फटाफट से उतरते ही साथ मैंने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ लिया था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन क्राउड। जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, तेजल तेजल। आई टर्न बैक एंड देर वॉज मामा। मैं ये सोच रही थी कि इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया में हमको मामा कैसे ढूंढेंगे, लेकिन तभी मैंने एक आवाज़ सुनी। ज़ोर ज़ोर से कोई चिल्ला रहा था मेरा नाम। सो जब मैंने पीछे घूम के देखा तो वो और कोई नहीं, मेरे मामा ही थे। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वेयर सून ऑन आवर वे टू मामाज़ हाउस। हम लोगों ने स्टेशन छोड़ा और हम लोग मामा के घर के लिए निकल पड़े। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर दैट मामाज़ हाउस वॉज लाइक दिस, एवरी वन इज़ लिविंग टुगेदर, बट इट वॉज़ वेरी क्राउडेड एवरीवेयर। तो यहाँ तेजल बता रही है कि जब हम लोग मामा के घर के लिए निकले तो हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देर वर मैनी हट्स लाइंड अप ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट। तो मामा के घर तक जाते हुए बहुत सारी झोपड़ियाँ थी एक पतली सी स्ट्रीट में। वी वॉक थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज़ हाउस। तो हम लोग मामा के घर पहुँचने के लिए एक पतली सी गली से हम लोग गुजर रहे थे। मामा मामी एंड देयर टू डॉटर्स एंड सन ऑल लिव इन वन रूम। तो मामा मामी उनकी दो लड़कियाँ और उनका एक लड़का सभी के सभी एक ही रूम में रहते थे। नाउ आई टू लिव हियर विद देम। अब मुझे भी इनके साथ यहीं पे रहना पड़ेगा। इट इज़ हियर दैट वी सिट स्लीप एंड कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। तो यहाँ पे ऐसा था कि एक ही रूम में आपको बैठना है, सोना है, खाना भी बनाना है और सब धोना भी है। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम। जो मेरा गांव में घर है उसमें भी एक ही रूम है, बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। लेकिन वहाँ पर खाना बनाने के लिए या फिर नहाने के लिए अलग अलग जगह है। वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड, और घर के बाहर एक कोर्टयार्ड भी है यानी आंगन भी है। वाटर वाटर, रुतवा मामी एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू पब्लिक टैप टू फिल वाटर। अब जो मामी की लड़की है रुतवा, मैं और मामी, हम तीनों 4 बजे उठते हैं हर रोज़ मॉर्निंग में, और जो पब्लिक टैप है यानी जो पब्लिक नल जो हमारी जो स्ट्रीट है वहाँ पे है, तो हम हर रोज़ वहाँ जाते हैं 4 बजे उठ के ताकि हम पानी भर सकें। ओ नो, यू वोंट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स आर देयर फॉर वाटर। आपको शायद विश्वास नहीं होगा लेकिन पानी भरने के लिए वहाँ बहुत सारे झगड़े होते हैं। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटिल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। अगर हम थोड़े से लेट हो जाते हैं तो हम पूरे दिन के लिए पानी भी नहीं भर सकते। देर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। न तो यहाँ पे जो नलका है और ना विलेज में। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर, हमारे गांव में पॉन्ड है यानी तालाब है जहाँ से हम पानी भरते हैं। इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट। तो तालाब तक पहुँचने में खाली 20 मिनट ही लगते हैं। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड्स ड्राई अप्स। गर्मियों के सीज़न में कई बार जो पानी है वो तालाब में से सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टू रिवर टू गेट वाटर। तो उस समय हमें 1 घंटा लगता है नदी तक पहुँचने में ताकि हम वहाँ से पानी भर सकें। बट इन द विलेज दे वर नो फाइट्स फॉर वाटर। लेकिन गाँव में पानी के लिए कोई झगड़ा नहीं होता। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड। मामा जहाँ पे रहते हैं, जिस स्ट्रीट में रहते हैं, वहाँ पे एक कॉर्नर में टॉयलेट है। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस द टॉयलेट। तो हर कोई इस जो टॉयलेट है, जो स्ट्रीट में टॉयलेट है उसमें उसको यूज़ करता है। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड।
ये हमेशा बहुत ज़्यादा डर्टी यानी गंदा रहता है और इसमें से बहुत बदबू आती है। इन द बिगनिंग आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, शुरुआत में मुझे वॉमिट हो जाती थी। एट टाइम्स देर इज़ नो वाटर, कई बार तो पानी भी नहीं होता था। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस, हमको हमारे साथ ही पानी लेके जाना पड़ता था बाथरूम में। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, लेकिन अब मेरे को इन सब की आदत हो गई है। इन द विलेज पीपल गो टू ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट, गाँव में लोग ओपन प्लेसेस में या फिर खेतों में जाते हैं टॉयलेट के लिए। द मेन एंड वेमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, औरतें और आदमी अलग अलग जाते हैं। अब टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।